पापी मन के पोटा कब का पाए तोर देखे धर लाए ए माता वो पाताल भैरवी ए माता वो पाताल भैरवी दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग लेके आए हैं फिर से एक नया वीडियो माँ पाताल भैरवी का, जिसके लिए हम लोग अभी पहुँचे हैं राजनांदगांव। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों अभी इस वक्त हम लोग पाताल भैरवी माता पाताल भैरवी के गेट पे, तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अब हम आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं माता के दरबार में, आप लोग देख रहे हैं। और तो चलिए अब दर्शन करते हैं अंदर माता का, और आपको मंदिर परिसर में जो भी चीज़ें हैं। तो पहले हम लोग जाएंगे ये नीचे वाले मंदिर में, तो चलिए चलते हैं हम लोग अंदर। अब ये जो माता के नीचे वाले मंदिर में टर्नल बना हुआ है, तो यहाँ पे आवाज़ मेरी इको होगी या जो भी होगा रिटर्न आएगा, वो चला लेना आप लोग, बाकी ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं देखिए मंदिर के पास। तो चलिए अब अंदर चलते हैं माता के दरबार में। तो दोस्तों हम लोग जैसे पहुंचे माता के दरबार में माता पाताल भैरवी के, तो हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ मेंटेनेंस के कारण लाइट अभी बंद की गई है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ लाइट दिखाने के लिए, मतलब आप सबको दर्शन कराने के लिए जितने भी लोग आए हैं उतने सब लोग फ्लैश लाइट जलाएंगे अपने मोबाइल का, और जो भी साधन होगा लाइट का वो जला के हम लोग आपको दर्शन करवाएंगे और खुद भी दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सभी लोग अब यहाँ जितने लोग भी आए हैं मेरे फ्रेंड सर्कल और जो भी हैं, तो वो सब फ्लैश लाइट जला के आपको यहाँ का दर्शन करवाएंगे हम लोग। तो ये देखिए माता पाताल भैरवी माँ काली माता, देखिए आपको दर्शन हम लोग करवा रहे हैं। पाताल भैरवी हो भैया माँ विराजे नांदगांव के, माँ पाताल भैरवी हो भुइया माँ विराजे नांदगांव के। तोर भुवन पर फानी धाम है, तोर भुवन पर फानी धाम है, महिमा जब तोर नाव के। स्वतंत्र हो जाए, जो बंधन में पड़े हुए हैं सारे लोग जी, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है माँ से। स्थापना 1996 में हुआ था, 1996 जी जी। और यहाँ मंदिर वगैरह में मतलब अभी कोरोना काल में कैसा है इसका चलन वलाना, और कैसे आ रहे हैं जो भी भक्त आ रहे हैं, कैसे दर्शन कर रहे हैं? भक्त तो बहुत कम आ रहे हैं जी, बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन जो भी आ रहे हैं वो सब नियम का पालन करते हुए आ रहे हैं जी। और
दूरी जी जी मास्क पहनकर दूरी बनाकर सैनिटाइजर करके ही अंदर आए। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, जय माता दी, जय माता। और ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो भगवान शिव का शिवलिंग है, ये स्फटिक शिवलिंग है जो स्फटिक से बना हुआ है, तो आप लोग इसका भी दर्शन कीजिए। तो अब चलते हैं ऊपर की ओर। तो हम लोग जैसे ही मंदिर परिसर में पहुँचे, बीच वाले मंदिर में, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं को मंदिर के चारों तरफ, तीनों तरफ बैठाया गया है। ये देखिए आप लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, बीच में जो मंदिर है वो है माँ राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का। तो यहाँ पे माता की मूर्ति स्थापित है, तो आइए दर्शन करते हैं उनका भी। तो अब चलते हैं हम लोग ऊपर शिव जी के पास, जहाँ शिव जी की मूर्ति है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, भगवान शिव वह द्वादश ज्योतिर्लिंग। तो देखिए आप लोग सभी देख रहे हैं, यहाँ पे भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं और उनको स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग दर्शन करते हैं भगवान शिव की मूर्ति का, जो बहुत ही विकाल और भयानक मुद्रा में यहाँ पे बनाई गई है। ये देखिए, तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे भगवान शिव के विशेष और मेन मूर्ति का दर्शन कर लिए, उसके बाद मैं आप लोगों को ये देखिए पूरा 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ का दिखाता हूँ। ये है श्री मल्लिकार्जुन जी, ये महाकालेश्वर महादेव, ये मल्लिकार्जुन, ये महाकालेश्वर महादेव, और ये श्री परमेश्वर महादेव जी, ये देखिए, और उसके बाद है श्री बैद्यनाथ जी, उसके बाद है श्री भीमशंकर, ये देखिए यहाँ पे, और ये है रामेश्वरम, ये देखिए आप लोग, उसके बाद आप लोग देखेंगे ये है श्री नागेश्वर महादेव जी, और ये है श्री विश्वेश्वर महादेव जी जो वाराणसी बनारस में स्थापित हैं, वहाँ उनका जो मंदिर है विशाल, और ये है श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव जी आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, और फिर ये देखिए हम लोग श्री केदारेश्वर महादेव जी का शिवलिंग, और ये देखिए अब भूषमेश्वर महादेव जी का शिवलिंग जो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, और ये है श्री सोमनाथ जो इनका मंदिर, विशाल मंदिर गुजरात में है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करवा दिया, तो आप लोगों को हम दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ का ड्रोन शॉट, तो एंजॉय कीजिए आप ड्रोन शॉट यहाँ का माँ पाताल भैरवी का। नंगे
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मंदिर के बाहर। तो आपको मैं मंदिर के बाहर का परिसर घुमाता हूँ। तो ये है बड़े से शिवलिंग जी जो यहाँ विराजमान है ऊपर छत पर मंदिर के। और यहाँ पे जो मंदिर है, देखिए यहाँ पे मंदिर पे श्री हनुमान जी विराजित हैं और श्री राम दरबार भी यहाँ पर छोटा सा लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये पूरा मूर्ति, और यहाँ छोटे से लड्डू गोपाल भी जी विराजमान हैं। तो चलिए और बाकी जगह घुमाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए आप लोग, ये मैं आपको दर्शन कराया था मंदिर के, मेन मंदिर के ऊपर का जो गुंबज बना हुआ है महादेव शिवलिंग के आकार में बना हुआ है, तो अभी आप लोग देख रहे हैं। तो और ये देखिए ये सब भवन जो बना हुआ है मंदिर परिसर में। और ये है जो यहाँ पे यज्ञ होता है नवरात्रि और यहाँ के विशेष पर्व पर जो यज्ञ कुंड बना हुआ है। तो उधर आप लोग देख सकते हैं यज्ञ कुंड के बाद पीछे ज्योति कक्ष भी बना है। तो आप लोगों ने पूरा मंदिर परिसर भी घूम लिया अब। और तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कीजिए और वीडियो को अपने परिवारों में शेयर कीजिए। और आप नवरात्रि के पर्व में ये वीडियो आप अपने परिवार वालों के साथ देखिए। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।